अस्सलाम वालेकुम, असलम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके व्लॉग्स। तो अभी सारा सामान मैं नीचे उतारा तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ हूँ, तो थोड़ा बेर कीजिएगा। बाकी अभी हम लोग निकलेंगे, आज का जो व्लॉग है पूरा होने वाला है कराची से मुल्तान जाने को ट्राई करेंगे, शायद हम लोग लाहौर चले जाएँ। तो अभी कुछ पता नहीं है सीन जो हमारे रोड ट्रिप का होगा, बिकॉज प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। और अभी हम लोग निकलेंगे, बस आज डेट है 4 जून, सुबह के 4:30 या 5 बजे ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। तो यार चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे। अच्छा तो भाई टाइम हो रहा है अभी 6:20, हम लोग 4:56 पे चले थे और अभी 6:20 हो रहे हैं। अभी हम लोग हैदराबाद भी नहीं पहुँचे, आज हमारा मूड है कि हम लोग चले आएँगे सीधे फैसलाबाद तक, बट अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी हम लोग बस नाश्ता करने के लिए रुके थे, क्योंकि घर से कुछ ज़्यादा नाश्ता किया नहीं था। तो बस यहाँ पे बाई रोड तो यही मज़ा है कि हाईवे पे जो रेस्टोरेंट आते हैं, रेस्टोरेंट नहीं ढाबा टाइप जो होते हैं वहाँ पे कर रहे हैं, उनका जो खाना होता है ना वो सबसे मेन चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा कुछ टेस्टी खाना होता है। इन लोगों का मैंने ट्राई किया हुआ है, तो ये सीन है भाई अभी का। तो बाकी मैं इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा अलग से व्लॉग बनाऊंगा, हमेशा मैं बहुत सारे अलग रास्ते ही दिखा दे रहता हूँ, तो इस बार मैं ज़्यादातर अपने बारे में बताऊंगा, अपने चाहे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो ये सब होगा। जस्ट स्टॉप फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और अभी जो है टाइम हो चुका है 11, सुबह के 11 बज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल वगैरह भराने के रुके थे, उसके बाद में यहाँ पे होटल भी था, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग चाय पी लेते हैं। और अभी जो है टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सिर्फ 11 बज रहे हैं अभी, और कराची में उतनी भी गर्मी नहीं होती। अब मुझे पता था इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, तो आज हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा मुल्तान को, और फिर कल सुबह निकलेंगे इस्लामाबाद जा नारान के लिए, वो डिसाइड कर लेंगे। अभी तो आज मुल्तान पहुँचते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग रुकेंगे शक्कर पे खाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे मुल्तान। तो अभी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ अभी अंदर, तो मास्क उतारना पड़ेगा वरना आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। तो अभी टाइम हो रहा है 12, और हमने सोचा कि अभी हम लोग मोटरवे का चढ़ जाएंगे शक्कर मुल्तान वाले, तो फिर हम लोग खाना कहीं पर नहीं खा पाएंगे, तो अभी डिसाइडेड कि हम लोग खाना खा लेते हैं पहले, फिर हम मोटरवे पर चढ़ेंगे। तो फिर अंदर जाते हैं, मेन्यू वगैरह देखते हैं कि क्या सीन है। सो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, और अभी बज रहे हैं 1, हम लोग अभी बस खाना खा के निकले हैं, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं शक्कर मुल्तान वाले मोटरवे पे। अभी जो रोड है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बनी हुई है, हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी स्पीड गेन कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे मुल्तान में स्टे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है यहाँ पर खड़ा होना, तो फटाफट से पिक्चर्स खींचते हैं और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द टक शॉप, बस हमने ब्रेक लिया, हमने सोचा था थोड़ा ब्रेक वगैरह लेते हैं, और सीन काफ़ी अच्छा है आप लोग। अभी टाइम 3 बज रहे हैं, और अभी हम लोग मुल्तान नहीं पहुँचे हैं, हम लोग अभी सिर्फ मोटरवे पे ही हैं। तो जैसे ही आपको ड्राइवर से दिखाते रहूँगा, जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, फिर जाके खाएँगे आराम से। तो अभी हम लोग ये भी रेस्ट कर रहे हैं, फिर रेस्ट करके हम लोग यहाँ चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर आके निकलेंगे मुल्तान की तरफ। अब थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, काफ़ी देर से गाड़ी चल रही थी, उसको भी थोड़ा रेस्ट दिया, ऐसा ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट दे दें। जैसे कुछ टेबल है वहीं, चाय कॉफ़ी पड़ी हुई है, यहाँ हम लोग बैठे हैं आराम से, शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं सब टुक के कर रहा हूँ। ये पूरी शॉप है, यहाँ पर हम लोग हर चीज़ें ले सकते हैं। कि मैंने यहाँ से सिर्फ एक जूस लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, अभी खाना खाया था, तो मैं सोचा कि ऐसे जूस लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, जूस पी लेता हूँ, तो थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में काफ़ी हो रही थी, तो जूस लिया मैंने। अब आगे निकलते हैं मुल्तान के। हम लोग शाम में पहुंच चुके थे मुल्तान, हमने वहाँ पे होटल वगैरह ले लिया, हमने रेस्ट कर लिया, अभी रात के शायद 8 या 9 बज रहे। हम लोग अभी आए हैं मुल्तान के फेमस जो है चापे खाने, शायद जिंदू कुछ नाम है, तो उस पर हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग वहाँ खाते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में देखा, ब्लॉग्स वगैरह में देखा कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ये, तो आई थॉट के यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, और देखते हैं कि क्या टेस्ट वगैरह है इसका। अभी हम लोग बैठे हैं फैमिली हॉल में,
तो ये जो है चापे हैं और ये सीख का सबसे पहले फ्राई किया जाता है इस मसाला वगैरह लगा के मैरिनेट करके, उसके बाद फिर इसको दोबारा कोयलों पे रखा जाता है ताकि तिक्का टाइप वो बन जाए। और अभी हमारे जो है एक चिकन पीस रह गया है वो भी आ जाए, फिर मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आज हम लोग कराची से आए मुल्तान, उसके बाद हमने यहाँ पे आके होटल लिया, काफ़ी ज़्यादा 6 किलोमीटर क्लॉक कर लिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने गए, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खाना बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, अगर आप मुल्तान आ रहे हो तो ये वाली जो चापे हैं रिब्स जो होती हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी अभी मैं फाइल आपको ट्रांसफ़र करके एडिट करूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। और आई होप आप लोग अच्छी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो बिग थम्स अप। फिर मैं आपसे ऐसी क्या वीडियो मिलेगी एज ऑलवेज पी एम आई।